बात उस समय की है जब आज ये भीमसेन और दुशासन के बीच में महासंग्राम होता है। दुशासन ने द्रौपदी का हरण किया, भीमसेन ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि दुशासन को मारकर उनके लहू से पांचाले के केस धुलूंगा। और आज मैदान में आमना सामना होता है, क्या होता है? भीमसेन दुशासन को ललकारते ही कहने लगे, हम आज बान है आन रखते हैं कि हम आन वाले हैं आन रखते हैं और हम शान वाले हैं शान रखते हैं। कोई समझा दो इन नादान जनाजों को, हम जान वाले हैं हथेली पे जान रखते हैं। किनारों को छोड़ने का हौसला चाहिए तब कहीं जाकर समंदर को टटोलना चाहिए। किनारों को छोड़ने का हौसला चाहिए तब कहीं जाकर समंदर को टटोलना चाहिए। विरासत में मिली है तुझे ये अदा, बुजुर्गों की महफिल में जरा संभल कर बोलना चाहिए। और एक बात हमारे आदरणीय शीतल भैया जिन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि ईमान के सामने बेईमानी कहां टिक पाती है, कि ईमान के सामने बेईमानी कहां टिक पाती है। और बेईमानी तो हर शख्स को आईने में दिख, और मेरी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां से मेरा नाम लेते ही आग लग जाती है। तो देखिए भीमसेन दुशासन को ललकार के कहने लगे, कहा दुशासन, और तू रण के नहीं है लायक रे, हाँ लायक रे, हाँ लायक, हाँ लायक, और एक बार में कर दूं घायल रे, हाँ घायल रे, हाँ दुशासन। अरे मैं वीर बलि हूँ रण में दुनिया जाने है, मैं वीर बलि हूँ रण में दुनिया जाने, मैं वीर बलि हूँ रण में दुनिया जाने, मैं वीर बलि हूँ रण में दुनिया जाने। प्रमाणी कैलाश चंद्र द्विवेदी जी इटारसी वालों के कर कमलों से 201 रुपए की राशि प्राप्त होती, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दुशासन तुम मुझे जानते नहीं हो, और मैं वीर बलि हूँ रण में दुनिया जाने, कहा अरे कायर पे कायर
काम किया है। ओ अपनी ताकत को मेरे शाम तेरो आया बलबीर भी है घबराया। आज यदि दम है तो रणभूमि में मुझसे आमना सामना करो। कहते हैं हो तुम हो हम हैं और तुम से ना हम कम हैं। जानी अरे मैं हूं योद्धा तूफानी तालियों में जरा जोर तो होना चाहिए भैया, क्योंकि महाभारत का दौर चल रहा है, इसीलिए अरे मैं हूं योद्धा तूफानी अरे करना ऐसी अरे करना ऐसी तू नादानी अरे करना ऐसी तू नादानी कर दो तुझको खून से भगवती आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दे ऐसी कामना करते हैं। श्री महावीर भजन मंडल सोयर अपने 5 यंत्रों के साथ